डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किए, नंबर वन पढ़े थे हमने कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और सेकंड वन है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने नोन हैं, 27 मिलियन, और 27 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का को इंडिविजुअली स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। इस बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किए, नंबर वन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और सेकंड है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर, अमाइन, अमाइड एटसेट्रा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि फंक्शनल ग्रुप का वर्क क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, बाद में हम काम की बात करेंगे। देखिए, पहले एग्जांपल समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर पंजा हाथ निशानी रहा तो आप क्या बोलेंगे, कांग्रेस। अगर कमल निशानी रहा तो उस वक्त आप बोलेंगे बीजेपी, और अगर धनुष बाण निशानी रहा उस वक्त आप शिवसेना बोलेंगे। पतंग अगर निशानी रहा तो उस वक्त आप MIM बोलेंगे। अगर घड़ी निशानी रहा तो उस वक्त आप राष्ट्रवादी कांग्रेस बोलेंगे, है ना। मतलब ये जो मैं आपको नाम बताया हूँ तो ये आप कैसा पहचाने हैं बताइए। तो पूरे क्लास के स्टूडेंट यही जवाब देंगे कि सर हमने उसके सिंबल पर से पहचाने हैं, है ना। अगर पंजा निशानी रहा तो हम कांग्रेस बोलते हैं, बराबर है ना। मतलब उस सिंबल के थ्रू हम पहचान लेते हैं कि पार्टी का नाम क्या है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंबल है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एटसेट्रा, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए हम महाराष्ट्रियन लोग हैं। अगर कोई महाराष्ट्रियन आदमी किसी अदर स्टेट में जाके वहाँ पर मराठी लैंग्वेज का यूज़ करता है तो दूसरे लोग मराठी भाषा सुन करके यही समझेंगे कि ये महाराष्ट्रियन है, बराबर है। अगर मान लीजिए कोई तेलंगाना से या फिर आंध्र प्रदेश से आकर के हमारे महाराष्ट्र में तेलुगु भाषा बोलता है तो हम उसकी लैंग्वेज से पहचान लेंगे कि सर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रहने वाला आदमी है। अगर कोई इंसान वेस्ट बंगाल से आकर के हमारे यहाँ पर बंगाली भाषा बोलता है तो हम ये बता देंगे कि ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कैसा लैंग्वेज इस पर से, है ना। लैंग्वेज पर से क्या हमारे हमारे को पता है कि हमारे महाराष्ट्र में, है ना, मराठी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा है, उसके बाद में तमिलनाडु में तमिल भाषा चलती है। तो ये पहचाने कैसा हमने, सर इसकी लैंग्वेज से पहचानी है, है ना। तो ये जो लैंग्वेज से पहचानी है, है ना, ये लैंग्वेज जो है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप, बराबर ना। अगरचे आपको पता करना है कि ये कंपाउंड क्या है, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा हूँ बॉन्ड OH, ROH, या फिर C, सिंगल बॉन्ड C, और आपको पूछा बेटा आप ये बताइए कि ये क्या है, तो पूरी क्लास ही जब आंसर देगी कि सर ये अल्कोहल है, वी नो दैट, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और ये है अल्केन, बराबर ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, जैसे मैं आपको पार्टीज की एग्जाम्पल दे के बताया हूँ और लैंग्वेज की एग्जांपल लेकर के समझाया हूँ, इसी तरह फंक्शनल ग्रुप क्या रहता, वहाँ पर तो मैं आपको पार्टी बताया था और लैंग्वेज बताया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे को पार्टी और लैंग्वेज का स्टडी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर स्टडी करना है हमारे को एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, जिसके थ्रू हम तीन चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। कितनी चीज़ें, तीन। देखिए, द सम ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट
कैन डिटरमाइन के निकाल सकते हैं इससे, ध्यान से देखिए, दैट कैन डिटरमाइन एस आर पी जो लिखा मैंने आपको समझाने के लिए, दैट कैन डिटरमाइन स्ट्रक्चर, एस फॉर स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, आर रिएक्टिविटी, ये आपको याद रहेगा रिएक्टिविटी, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक तो स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सही है ना। ये एस आर पी वो नहीं बोलना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ शब्द कि तीन चीजें निकालते हैं इससे हम, एक तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के थ्रू, रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है, और प्रॉपर्टीज बहुत फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी कलर टेस्ट वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज किस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन होगा और कौन सा कंपाउंड तैयार करेगा, ठीक है। ये सब डिपेंड किस पर रहता, फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं पहले छोटी सी पॉइंट छोटा सा पॉइंट समझाया था आपको, क्या मान लीजिए मैंने लिखा मीथेन CH4 C2H6 ईथेन C3H8 है ना, प्रोपेन C4H10 C5H12 है ना, मीथेन से लेकर के पेंटेन तक के। तो यहाँ से यहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है बताइए सर, यहाँ से यहाँ पर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे, यहाँ पर एक कार्बन चार हाइड्रोजन थे, देखिए नीचे आने पर दो कार्बन छह हाइड्रोजन, यानी कितने कितने ग्रुप, मतलब किसका डिफरेंस आ रहा है इसमें, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, CH2 ग्रुप का है ना। यहाँ से ये देखिए एक कार्बन दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही, यही एग्जांपल अल्किन और अल्काइन के लिए देखिएगा है ना, किसका डिफरेंस आ रहा, CH2 ग्रुप का। इससे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, होमोलोगस सीरीज, हाँ सर, होमोलोगस सीरीज किसको बताया गया, ऐसा सीरीज जिसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, द सीरीज इन विच ओनली डिफर ऑफ, हाँ सर, ओनली डिफर ऑफ, बताइए CH2 है ना, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 और हाइड्रोजन का दो, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन के लिए दो, 14 का डिफरेंस, दस द सीरीज इन विच ओनली डिफर ऑफ CH2 ग्रुप है ना, कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। अगर हम यहाँ से यहाँ जम किए तो ये होमोलोगस की एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि CH2 का डिफरेंस नहीं है, भले ये है ना, यहाँ से ये डिफरेंस होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज। अगर आप यहाँ तीन कार्बन से पांच कार्बन पर जम कर रहे हैं है ना, मतलब तीन कार्बन आठ हाइड्रोजन और यहाँ पांच कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो ये होमोलोगस का एग्जांपल नहीं हो सकता। छोटा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया इसमें, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज, वो सीरीज देगा आपको इस तरह, जैसा मीथेन दिया इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन पेंटेन एटसेट्रा, जिसमें डिफरेंस हो CH2 ग्रुप का तो वो होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल रहेगा, और डिफरेंस अगर ना हो तो होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। ये छोटा पॉइंट था, ध्यान से देखिए। अब हमारे मेन पॉइंट्स पर आइए, चलिए होमोलोगस सीरीज बराबर है, देखिए हो, देखिए अभी फंक्शनल ग्रुप समझाया था, होमोलोगस सीरीज तो आप समझ गए हैं, ठीक है ना। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड FG फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके बाद में उसको हम रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट है एग्जांपल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप में कवर करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, ओके, हाँ सर। देखिए एक छोटा सा हम टेबल पहले बना लेते हैं, चलिए देखिए नंबर वन अल्केन, अब अल्केन तो आपका पढ़ा हुआ है, क्या है
एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन होगा, है ना। मतलब अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन आर बॉन्ड एच, क्योंकि हमने अल्काइल पढ़े थे, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन सच कंपाउंड कॉल्ड एज अल्काइल, बराबर है। अब एक एच रिमूव किए थे, एक एच हमने ऐड कर दिए आर बॉन्ड एच, दैट इज कॉल्ड एज अल्केन, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल देखिए आप, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, सही है। क्या नाम है इसका, इथेन, पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। सेकंड देखिए आप, अल्कीन, ए एल के ई एन ई, अल्कीन, बराबर है। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा क्या, सी डबल बॉन्ड सी, इससे पहले आप आर लगा दो एच लगा दो, एक ही बात है, आर बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये आर अल्काइल। चाहे तो आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप यूज कर दो या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना। ये पढ़ा हुआ है आपका, सही है ना। क्या नाम है इसका, इथीन, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स तो सारे कवर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए आप, अल्काइन, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाँ सर, यहाँ पर आर लगा दीजिए आप, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड आर, ठीक है ना। एग्जाम्पल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर एच इधर एच, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन, हाँ सर, समझ में आ गया आपको, दैट इज कॉल्ड एज इथाइन, ओके। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें ईथर, ई टी एच ई आर, ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड ओ, ठीक है ना। कहीं पर इधर सी सी लगा लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ये इधर का फंक्शन ग्रुप और ये आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। अब यहाँ पर आर के अगर क्या लगाएंगे आप, अल्काइल ग्रुप बताइए, सी एच थ्री बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। इधर का कॉमन नेम लिखते समय पहले इस अल्किल का नाम लिखनेगा, क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल, ओके, और इथर, डाई मिथाइल इथर, हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर है हैलाइड, क्या है हैलाइड, जिसको हम अल्किल हैलाइड बताइए, है ना। हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड एक्स, और एक्स बोले तो हैलोजन फैमिली, है ना। हैलोजन फैमिली कौन सी है, देखिए एक्स बोले तो हैलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइन, है ना। 9, 17, 35, 53 और ये 85, है ना। इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट रहता है एस्टेटाइन, ओके। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती, ऐसा याद रख सकते हैं आप इसको, या फिर कल भी आएगा ऑटो याद करने के लिए, ठीक है ना। हैलाइड हैलोजन फैमिली, क्या लगाएंगे हम, आर, आर बॉन्ड एक्स, है ना। एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड बी आर, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल और ब्रोमाइड, क्या रहेगा, मिथाइल ब्रोमाइड। छोटे छोटे फंक्शन ग्रुप है, याद हो जाते हैं आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो, नोट किए क्या, हाँ सर। चलिए देखिए, ये नोट किए, ओके, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, कितने बता दें मैंने आपको फंक्शन ग्रुप, पांच, कॉलम आपके पास बना हुआ है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल, ठीक है ना। ठीक है, नोट किया क्या आपने, हाँ सर, चलिए देखिए, पांच फंक्शन ग्रुप मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है ना। ओके, हाँ सर, ठीक है ना।
6 7 8 9 10 11 12 13 सेकंड राउंड में एंड हो जाता। देखिए आप तो कहाँ तक के बता दें मैंने आपको, सर आपने बता दें हमारे को हाइलाइट तक के, है ना। अब अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH, रिप्रेजेंटेशन में आर OH लगा देंगे हम, है ना। और एग्जांपल CH3 बॉन्ड OH दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। क्या है दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल। हाँ सर, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, पक्का। अब फिनॉल देखिए, ये शब्द कैसे बने, क्या बने, आगे डिटेल पढ़ते हैं हम इसका। क्या ये शब्द देखिए, क्या फीन से बना, फीन बोले तो बेंजीन का ग्रीक नेम है फीन, उसका ई हटा करके ओएल, है ना। तो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH और यहाँ लगा दिया मैंने AR, एरोमेटिक कंपाउंड, और OH, एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो बेंजीन रिंग, है ना। तो बेंजीन रिंग और OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, क्या रहेगा, फिनॉल। हाँ सर, ठीक है ना। AR OH, AR इज एरोमेटिक कंपाउंड और R क्या था, अल्काइल, ठीक है ना। अब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड CHO, है ना, ये ऐसा रहता C डबल बॉन्ड और ये H, R बॉन्ड CHO, ठीक है ना। एग्जांपल CH3 बॉन्ड CHO, मींस CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बता रहा, क्या ACET शब्द कब लिखा जाता, कौन सा शब्द, ACET, याद रखना आपने, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको काम में आएंगे कभी ना कभी, मैं यहाँ लिखता हूँ ACET, है ना। इसलिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले दो कार्बन एटम चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये कंडीशन है तो उस वक्त हम लिख सकते हैं ACET, क्या लिख सकते हैं ACET। हाँ सर, ये दो कार्बन है और ये डबल बॉन्ड, और शब्द तैयार होगा अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ओके। बाद में देखिएगा कीटोन, है ना, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, क्या लगाएंगे आर, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, हाँ सर। एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, इसका नेम है एसीटोन, ACET, ये मान लीजिए आप, ये ACET लिखे हमने इसके लिए ऐसा, है ना, और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए एसीटोन। सेकंड नेम इसका डायमिथाइल कीटोन, हाँ सर, डायमिथाइल कीटोन, ओके, हाँ सर। नेक्स्ट चलिए अल्डिहाइड कीटोन, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, जल्दी जल्दी करा दे रहा मैं, छोटा सा टॉपिक है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बॉन्ड सी डबल ओ एच, रियल रहता कैसा, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, हाँ सर, आर बॉन्ड सी डबल ओ एच। एग्जाम्पल आर की जगह आपको CH3 ग्रुप लगाना है, CH3 सी डबल ओ एच, है ना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, है ना। ACET लिख सकते हैं, हाँ सर लिखेंगे हम, क्योंकि दो कार्बन है और सी डबल बॉन्ड ओ है, ACET, है ना, मतलब ये रियल ऐसा है ना, लिखिए ना, काम करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, हाँ सर। तो यहाँ लिखे हमने ACET, है ना, दो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ है, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम लिखते समय लास्ट में IC एसिड आता, तो शब्द तैयार हो गया एसिटिक एसिड, हाँ सर, क्या तैयार हो गया, एसिटिक एसिड, ओके। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो गया एस्टर, अब एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखिए सी डबल ओ आर, मतलब एच की जगह हमने आर लगा दिए, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर, हाँ सर, ठीक है ना। तो आर सी डबल ओ आर, आर है ना, अल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने। एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, हाँ सर। तो जब भी आपको ईस्टर का कॉमन नेम चाहे IUPAC में लिखना है, तो इस अल्किल का नाम पहले लिखना जो ऑक्सीजन एटम से अटैच है, क्या नाम है इसका, मिथाइल एसीटेट, क्योंकि इसको सेपरेट कर दिया हमने, ये एसीटेट है ना, ACET क्यों लिखे समझ गया, दो कार्बन है ये छोड़ दो, और AT ईस्टर का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते वक्त लास्ट में ATE आता, शब्द बन जाएगा एसीटेट, ओके। ईस्टर समझ में आ गया आपको, हाँ सर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ईस्टर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप एसिड, ये एसिल क्लोराइड, हाँ सर,
एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसका नाम है एसिड लिख सकते क्या? हाँ सर, दो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सफिक्स वाई एल एसिटिल और क्लोरीन का हो जाएगा यहाँ पर क्लोराइड। ओके सर, ठीक है, क्या शब्द तैयार हो गया सर? एसिटिल क्लोराइड तैयार हो गया। ओके ठीक है, इसके बाद देखिए आप, हाँ एसिड अनहाइड्राइट या फिर अनहाइड्राइट के नाम से जानते हैं इसको हम, अनहाइड्राइट देखिए सी ओ बाई टू ओ, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ सर, आर बॉन्ड सी ओ बाई टू ओ, मतलब कितने सी ओ रहेंगे इसमें? दो रहेंगे, एक अल्किल ग्रुप और एक ऑक्सीजन, सॉरी दो सी ओ दो अल्किल ग्रुप और एक ऑक्सीजन, तो सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ध्यान से देखिए आप इधर, है ना, इसका नाम आएगा एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके एसिटिक क्यों लिखे, देखिए एसिटिक एसिड से ड्राइव किया हमने इसको, ये था एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एच हटा करके हमने सी ओ आर लगा दिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सी एच थ्री सी ओ बाय टू ओ, हाँ सर, ये हो जाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके समझ में आ गया, कितने एग्जांपल हो गए? 13, ठीक है ना, स्पीड ज्यादा हो गई क्या? ओके चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 14, चलिए जल्दी लिखिए, अब समझाते हैं आपको अमाइन अमाइड। ओके अमाइन अमाइड, उसके बाद में नाइट्रो एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, थायोल, वो थायोल के बाद में ऑक्साइन सल्फोनिक एसिड। ओके चलिए नोट किया क्या आपने? अब ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा, कितने हो गए? 14 है ना, चलिए जाने दो, जो भी है नंबर 14 होगा चाहे तो 15 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप चलिए आप ध्यान से देखिए, हाँ पहले छोटे छोटे एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 15 नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, हाँ सर, ओके चलिए ध्यान से देखिए आप, नाइट्रो अल्केन बॉन्ड एनओ टू, हाँ सर, और आर बॉन्ड एनओ टू नाइट्रो अल्केन, और इसका एग्जाम्पल आएगा सी एच थ्री बॉन्ड एनओ टू, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन, क्या रहेगा? नाइट्रोमीथेन, ठीक है ना। चलिए देखिए आप ध्यान से, ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने के लिए। ओके वो समझ में आया नाइट्रो एल्केन, हाँ सर, क्या है बॉन्ड एनओ टू, फिर हमने आर लगा दिया और एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो आईयूपीएसी नेम आएगा इसका नाइट्रोमीथेन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 16 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओके बॉन्ड एस ओ थ्री एच, आर बॉन्ड एस ओ थ्री एच, और सी एच थ्री बॉन्ड एस ओ थ्री एच, है ना, इसका नाम है मीथिल, है ना, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, हाँ सर, क्या रहेगा?
मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ओके, एग्जांपल नंबर 17 अमाइंस, ध्यान से देखिए। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड NH2, यहां लगा दिया हमने R बॉन्ड NH2, और एग्जांपल CH3 बॉन्ड NH2, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन। बट अमाइन के तो चार टाइप्स है, कितने? चार। वन डिग्री अमाइन, जिसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे हम, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री और फोर डिग्री। वन डिग्री अमाइन इसको बताएंगे हम, देखिए आप, क्या अगर नाइट्रोजन एटम एक कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम वन डिग्री अमाइन कहते हैं। ये एग्जांपल लिखे हम मिथाइल अमाइन। अगर नाइट्रोजन एटम दो कार्बन से अटैच हो उसे हम टू डिग्री अमाइन कहते हैं। है दो कार्बन से? हाँ सर, इसका नाम है डायमिथाइल अमाइन। ओके सर, जबरदस्त। थर्ड है सी एच थ्री बॉन्ड एन बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, है ना। अगर नाइट्रोजन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम टर्शियरी अमाइन कहते हैं। इसका नाम है ट्राइमिथाइल अमाइन, जो हम नोमेनक्लेचर में डिटेल पढ़ने वाले हैं। और क्वार्टरनरी अमाइन रहेगा आर फोर एन एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए ये डिराइव हुआ कहाँ से? अमोनिया से। क्या अमोनिया में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते थे हम? तीन, एक दो तीन। एक रिप्लेस करेंगे प्राइमरी अमाइन, दो रिप्लेस करेंगे अल्किल ग्रुप ऐड करेंगे सेकेंडरी अमाइन, तीन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप ऐड करके दैट इज टर्शियरी अमाइन, ठीक है ना। तो अमाइन समझ में आ गया आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी, हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका आगे। ओके, अभी बेसिक लेवल समझ में आ गया, ठीक है सर। एग्जांपल नंबर 18 अमाइड, ए एम आई डी ई अमाइड, सी ओ एन एच टू, बराबर है ना। अब ये जो सी ओ लिखे हमने बेटा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू रहता, आर बॉन्ड सी ओ एन एच टू। ओके, एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एन एच टू, लिख सकते क्या आप यहाँ पर एसिड अमाइड? हाँ सर, अब समझ में आ गया, क्योंकि दो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ है और अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है, अमाइड तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या बचे इसमें से? साइनाइड। हाँ सर, साइनाइड का सेकंड नेम क्या है सर? नाइट्राइल है इसका सेकंड नेम। ओके, क्या रहता है ये? सी ट्रिपल बॉन्ड एन रहता, या जिसको हम सी एन जनरली लिखते हैं। ओके, आर बॉन्ड सी एन, एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको हम सी एच थ्री सी एन। तो इसका नाम है मिथिल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, और सेकंड नेम इसका एसीटो नाइट्राइल। क्योंकि नाइट्राइल क्यों लिखे समझे ना, साइनाइड का सेकंड नेम है नाइट्राइल, और एसीटो क्यों लिखा समझ में आया? क्या दो कार्बन है और सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, जो मैं आपको जस्ट बताया था, ठीक है ना। साइनाइड समझ में आया? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 20 है आइसो साइनाइड या फिर आइसो नाइट्राइल, साइनाइड का सेकंड नेम। तो ये क्या हो जाएगा मतलब एन सी, आर बॉन्ड एन सी, एग्जाम्पल सी एच थ्री बॉन्ड एन सी, मिथिल या मिथाइल आइसो साइनाइड, क्या रहेगा? मिथाइल आइसो साइनाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑक्साइन, क्या बताया? ऑक्सेन। ऑक्सेन का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच। अब ऑक्सेन भी दो टाइप के हैं, कितने? दो। देखिए क्या सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच है ना, यहाँ मैं अगर सिर्फ एच लगा के यहाँ आर लगा दिया तो ये हो जाएगा अल्डो ऑक्सेन, क्योंकि अल्डिहाइड कैसा दिख रहा। और आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच, दैट इज कॉल्ड एज कीटो ऑक्सेन। ओके, अल्डो ऑक्सेन और कीटो ऑक्सेन, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों लगा के देख लेते हैं, अल्डोक्सेन भी और कीटोक्सेन, ठीक है ना। तो आर बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच अल्डोक्सेन हो जाएगा, उधर लिखा हूँ मैं, और ये आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच एसीटो अल्डो ऑक्साइन, या फिर एसिड अल्डो ऑक्साइन, एसिड अल्डो ऑक्साइन, ऐसे टाइप के लिखे समझे, सी डबल बॉन्ड एन है। और यहाँ पर देखिए आप, ये सॉरी इधर एच लिखे कि हमने आर चाहिए,
CH3 bond C bond CH3 double bond and bond OH that is called as aceto keto oxide. Okay. और लास्ट एग्जांपल 22 थायोल, ठीक है ना. थायोल का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड SH, मतलब अल्कोहल का था बॉन्ड OH तो वो हटा करके हमने S लगा दिए, दैट इज कॉल्ड एज थायोल R बॉन्ड SH. और क्या हो जाएगा CH3 बॉन्ड SH दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल थायोल. ओके ठीक है ना. तो ये फंक्शन ग्रुप जो आपको 11th 12th में काम में आएंगे और आगे BSc MSc जो आप केमिस्ट्री में अगर कुछ करना चाहते हैं BSc MSc वगैरह तो उसमें आपको ये टॉपिक काम में आएगा, ठीक है ना. तो ये टॉपिक था फंक्शन ग्रुप. आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बार बार इसको पॉज करके देखो. इसमें अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है. बाय.